SKM 91 न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की जानिब। शहर, रियासत और देश के हालात को मद्देनज़र रखते हुए तेलंगाना स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर और स्टेट प्रेसिडेंट TMMVS मोहम्मद गयासुद्दीन इजहार ने सिकंदराबाद से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से MP चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मोहम्मद गयासुद्दीन इजहार, जो 2006 में TRS पॉलिटिकल पार्टी में शमूलियत हासिल किए और अभी तक BRS में रहकर पार्टी और आवाम की खिदमत अंजाम देते आए हैं, करीब 17 साल के सफ़र के बाद गयासुद्दीन ने सिकंदराबाद से इंडिपेंडेंट MP लड़ने का फैसला किया है। गयासुद्दीन मीडिया से फ़ोन पर बात करते हुए बताया कि अब वक्त खामोशी इख्तियार करने का नहीं है, अभी तक आगे बढ़ जाना चाहिए था और कौम को आगे बढ़ाना था। लोग सिर्फ कहते हैं और अपनी अपनी राय देते हैं, लेकिन ये वक्त कुछ करके दिखाने का है। हाथ में हाथ, पैर में पैर रख कर चबूतरे गर्म करके बातें करने का वक्त नहीं है, और अल्लाह ने फिर भी वक्त दिया है। अब मुसलमानों को मजबूती से कदम आगे बढ़ाना ज़रूरी है। शहर, रियासत और देश खतरे में है, ना सिर्फ मुसलमान बल्कि हर कौम के गरीब खतरे में हैं। मुझे लगता है सिकंदराबाद पार्लिमानी हलके में बड़ी साजिश हो रही है। वहाँ से किसी भी बड़ी पार्टी का मुसलमान उम्मीदवार नहीं ठहराया गया है। मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि आवाम ये ना सोचे कि मैं पहली बार में ही MP का चुनाव लड़ने का फैसला किया, जो कि जीतना नामुमकिन है। गयासुद्दीन ने कहा, सबसे बड़ी ताकत आवाम है और कोशिश करने वालों के साथ अल्लाह है। इनके 17 साल के सियासी तजुर्बे में इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है, जिससे उनके अंदर आज चुनाव लड़ने की हिम्मत बनी है। और इतने सालों से इन्होंने अपनी घर की पार्टी TRS BRS में पूरी ईमानदारी, वफादारी और दयानतदारी से पार्टी और आवाम की खिदमत अंजाम दी, और इसी वफादारी के साथ आगे कदम बढ़ाते हुए इंशाअल्लाह कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेंगे। गयासुद्दीन, जो कि अलहदा तेलंगाना रियासत की तरक्की के हिस्सेदार है, और इन्होंने अपनी जान और माल की फ़िक्र किए बिना बहुत सारी कुर्बानियाँ देते हुए अलहदा रियासत तेलंगाना के बाद भी BRS में अभी तक टिके हुए हैं। इन्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा और AP पुलिस के डंडे भी खाने पड़े। गयासुद्दीन इजहार 2016 और 2021 में एक्स मिनिस्टर हरीश राव के हाथ चेयरमैन के पोस्ट के लिए नॉमिनेशन लिस्ट में भी थे, लेकिन अपने मुसलमानों की साजिश की वजह से वो शॉर्ट लिस्ट ना हो पाए। हर दम आवाम की खिदमत अंजाम देने वाले, किसी वीडियो या पोस्टर के जरिए दिखावा ना करने वाले गयासुद्दीन इजहार तेलंगाना भर में मशहूर एक ईमानदार, डैशिंग और डायनेमिक लीडर के नाम से जाने जाते हैं। और अब इन्होंने मुकम्मल इरादा कर लिया है कि वो इस बार सिकंदराबाद से इंडिपेंडेंट MP कैंडिडेट की हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे, और कहा कि इस तजुर्बे के साथ अगर आवाम के साथ हो, ईमानदारी हो, तो अल्लाह ज़रूर कामयाब करेगा, जिसमें इन्हें आवाम के साथ और दुआओं की सख्त ज़रूरत है। SKM 91 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद के साथ हर अहम और ख़ास खबर को देखने के लिए आपके अपने न्यूज़ चैनल SKM 91 को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें।